क्या मरने के बाद एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे सकती है? अब आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। एक प्रेग्नेंट महिला मरने के बाद भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को सक्सेसफुली जन्म दे सकती है। पर सवाल यह है कि यह होता कैसे है? तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि अगर किसी महिला की मौत उसकी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान हो जाती है और अगर बच्चा मैच्योर्ड है तो मरने के बाद बॉडी में बनने वाली गैसेस इतना ज्यादा प्रेशर पैदा करती हैं कि बच्चा शरीर से बाहर निकल जाता है। गाइस, इसी को ही कॉफिन बर्थ कहा जाता है। अब हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप इसके पहले तक कॉफिन बर्थ के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन के डांस और उनके सॉन्ग्स के दीवाने पूरी दुनिया में थे, लेकिन माइकल जैक्सन की एक और चीज थी जो कि उनके फैंस के बीच में काफी मशहूर थी, और वो थी उनके काले घने बाल। लेकिन उनकी मौत के 10 साल बाद आई उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो आप लोगों को चौंका देगा। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि माइकल जैक्सन के सिर पे एक भी बाल नहीं था। वो जब भी पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तो वो सिर पे विग पहनकर जाते थे। गाइस, ये चकाचौंध भरी दुनिया अंदर से कितनी काली और गहरी है ये कोई नहीं जानता। क्या इसके पहले तक माइकल जैक्सन का ये राज आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अभी हाल ही में जब हैदराबाद में भयंकर बारिश हो रही थी तो वहां पर आईटी सेक्टर में काम करने वाले रोबिन मुकेश को चाय की तलब हुई, क्योंकि उनका ऑफिस शुरू होने वाला था। इसीलिए अपनी चाय की तलब को मिटाने के लिए उन्होंने जोमैटो पर चाय ऑर्डर कर दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। गाइस, इतनी बारिश में महज 15 मिनट के अंदर मोहम्मद अकील नाम का एक डिलीवरी बॉय चाय लेकर पहुंच गया। जब रोबिन ने अकील को देखा तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। इतनी मेहनत देख के रोबिन ने अकील के लिए फंड रेज करना शुरू किया और देखते ही देखते 73,000 रुपया इकट्ठा हो गया, जिसमें से 30,000 रुपया एक अमेरिकी महिला ने डोनेट किया था। गाइस, अब इतनी मेहनत अगर कोई करेगा तो ये इनाम तो बनता ही है। हमें भी इन डिलीवरी बॉयज की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि बिना मौसम देखे आपके पेट की भूख मिटाते हैं। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी सांप को चीखते चिल्लाते देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे तेलंगाना के करीमनगर जिले के रामाडुगु इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सांप चीखता और चिल्लाता दिखाई दे रहा है। पर क्या यह वीडियो सच है? अब इसी का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो मामला गड़बड़ाते देख वहां के एक शख्स ने सरेंडर कर दिया और कहा कि उसने ये वीडियो एक ऐप से डाउनलोड किया था और फिर उसके बाद अपनी आवाज देके उसे एडिट किया, लोगों के साथ शेयर किया और झूठी कहानी भी बनाई। उसके बाद ही पुलिस ने उसे पकड़ा, उसकी काउंसलिंग की और अगली बार ऐसा करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। अगर आप भी ऐसा कोई फेक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं तो प्लीज इससे बचिए, क्योंकि बेवजह आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। 2006 से पहले इंटरनेट को यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल किया जाता था और तब गूगल का सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट सेट होता था। लेकिन 18 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को लगभग बर्बाद ही कर दिया था जब उसने गूगल सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट से हटाकर अपने सर्च इंजन बींग को यूज करना शुरू कर दिया था। तब गूगल को 300 मिलियन यूजर्स का नुकसान हुआ था। गाइस, अगर तब सुंदर पिचाई गूगल में ना होते तो शायद आज गूगल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता, क्योंकि तब सुंदर पिचाई की अगुवाई में गूगल ने अपना वेब ब्राउजर क्रोम 2008 में लॉन्च किया था जो कि आज दुनिया का नंबर वन वेब ब्राउजर है। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे समय का अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर आइजेक न्यूटन किसे कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो है एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम है सोबरेनो आइजेक बारी। जब ये बच्चा सिर्फ 6 महीने का था तब इसने बोलना शुरू कर दिया था। जब ये 2 साल का था तब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व किया करता था। और आज जब ये सिर्फ 9 साल का है तब ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है जो कि दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स के लेक्चर लिया करता है। इसने खुद ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द लव। इसके नाम में आइजेक सर आइजेक न्यूटन से इंस्पायर्ड है। गाइस, आपको इस बच्चे के बारे में जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखें।